दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और निर्णायक टेस्ट में मिली हार के बाद विराट कोहली ने टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़कर सबको चौंका दिया था। कप्तानी छोड़ने से पहले ही इस बात की चर्चाएं थी कि विराट और बीसीसीआई के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब इस मामले में एक ऐसी खबर आई है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या है ये खबर, आइए बताते हैं इस रिपोर्ट में। वनडे की कप्तानी छीने जाने के बाद से ही विराट कोहली और बोर्ड के बीच अनबन की खबरें बाहर आ रही हैं। अफ्रीका दौरा जाने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोहली ने बीसीसीआई को निशाना बनाया था। विराट ने वनडे की कप्तानी पर बात करते हुए कहा था उन्हें बिना बताए वनडे इंटरनेशनल टीम की कप्तानी छीन ली गई थी। इस मामले पर पहले बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा था कि बोर्ड ने विराट से T20 कप्तानी नहीं छोड़ने का अनुरोध किया था। विराट के बयान के बाद मामला काफी उलझ गया। ऐसी बातें चलने लगी कि कोई एक पक्ष झूठ बोल रहा है। अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि विराट के इस बयान से सौरव गांगुली काफी गुस्सा गए थे। गांगुली तब के टेस्ट कप्तान विराट कोहली को साउथ अफ्रीका दौरे से पहले कारण बताओ नोटिस भेजना चाहते थे। हालांकि तब बोर्ड के बाकी अधिकारियों ने गांगुली को रोक लिया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि कोहली की कप्तानी छोड़ने के पीछे ये एक बड़ी वजह थी। खबरों के मुताबिक कोहली ने कप्तानी छोड़ने से पहले बीसीसीआई सचिव जय शाह को फोन भी किया था, लेकिन उन्होंने सौरव गांगुली को फोन नहीं किया था। ये इस बात का इशारा है कि बोर्ड अध्यक्ष सौरव गांगुली और इंडिया के सबसे स्टार खिलाड़ी विराट के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। जब कुंबली टीम इंडिया के कोच थे तब कोहली से विवाद के चलते उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था, और अब गांगुली के विवाद के कारण विराट को कप्तानी छोड़नी पड़ी। ऐसी चीजें भारतीय क्रिकेट के लिए सही नहीं की जा सकती। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें।